खबर है गुलाम नबी आजाद को लेकर, जो कि अपनी किताब लॉन्च के बाद से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। ताबड़तोड़ हमले वो कांग्रेस पार्टी पर कर रहे हैं, बीच बीच में कुछ तल्ख टिप्पणियां जो है वो बीजेपी को लेकर भी कर देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई उनकी बार बार तारीफ जो है वो कांग्रेस पार्टी को काफी खल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच जो ताजा मैच चल रहा है, इसमें एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी जो छोड़ी है, इसके पीछे कौन सबसे बड़ी वजह है, क्या कुछ कहा है गुलाम नबी आजाद ने, बताते हैं आपको पूरी खबर। दरअसल पूर्व कांग्रेसी और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के जो नेता हैं गुलाम नबी आजाद, उनकी जो किताब है आजाद वो लॉन्च हो चुकी है। इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान आजाद ने कांग्रेस पर एक बार फिर से, खास तौर पर राहुल गांधी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने इस दौरान कई बड़ी बातें कही हैं और बताया है कि खुद उन्होंने कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया और उसके पीछे जो वजह थी वो थे राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी का नाम लेकर उन्होंने सीधा हमला बोला है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सिर्फ मैं ही क्यों, मेरे जैसे कई बहुत से लोगों के द्वारा कांग्रेस छोड़े जाने की वजह राहुल गांधी थे। उन्होंने कहा कि उस पार्टी में बने रहने के लिए रीढ़हीन होना जरूरी है। तो बड़ी बात है, एक ही बात से या एक ही शब्द से पूरी कांग्रेस पार्टी को यहां पर गुलाम नबी आजाद ने लपेट लिया, रीढ़हीन, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइनलेस, यानी कि पवन खेड़ा लगातार गुलाम नबी आजाद पर जो हमला बोल रहे थे, दिग्विजय सिंह जो हमलावर थे कि भाईजान आपने धोखा दे दिया, इसके अलावा हरीश रावत जो लगातार गुलाम नबी आजाद पर हमला बोल रहे थे, इन हमलों के बीच गुलाम नबी आजाद ने एक शब्द से तगड़ा पलटवार किया है। कहा है कि कांग्रेस पार्टी में रहने के लिए रीढ़हीन होना जरूरी है, स्पाइनलेस होना जरूरी है, कि रीढ़ नहीं होनी चाहिए, जैसा आला कमान कहता है वैसा चुपचाप करते जाओ। गुलाम नबी आजाद यहीं नहीं रुके, कांग्रेस में अपनी वापसी पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चाहते हुए भी पार्टी में उनकी वापसी करा सके, ऐसा करने में बहुत देर हो चुकी है, भले ही राहुल गांधी ने उनकी वापसी की मांग की हो। उन्होंने आगे कहा कि आज राजनीति में कोई भी अछूत नहीं है, वो सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ जाने से इनकार नहीं किया है। आजाद ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने 2013 में यूपीए सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को नहीं फाड़ा होता तो उन्हें आज अयोग्य नहीं ठहराया जाता। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद ने सीधे तौर पर उन लोगों पर भी हमला बोला जो लगातार उन पर अटैक कर रहे हैं, उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो उन लोगों की तुलना में 2000% अधिक कांग्रेसी हैं जो ट्विटर से काम करते हैं, यानी कि ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह ने, हरीश रावत ने, तो ये सीधा हमला आप कह सकते हैं। आजाद ने यह भी कहा कि जब शीर्ष नेतृत्व किसी जांच एजेंसी के सामने पेश होने जा रहा है तो नेताओं को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि अभी किया जाता है। तो कुल मिलाकर गुलाम नबी आजाद जो है वो ताबड़तोड़ कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं। जो भी उन्हें लपेटने की कोशिश करता है वो शब्दों के जाल बुनकर बुरी तरीके से पलटवार कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद की किताब लॉन्च होने के बाद अब इस किताब के जो अंश हैं वो भी समय समय पर बाहर आते रहेंगे। कई ऐसे विस्फोटक खुलासे हैं जो इस किताब के जरिए हो सकते हैं, लेकिन उनके निशाने पर फिलहाल जो है राहुल गांधी हैं। अपने बयान में वो ये भी कहते हैं कि कोई भी अछूत पार्टी नहीं है, यानी कि जब कल को जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो क्या गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ जाकर गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में संभवतः गुलाम नबी आजाद का जो आधार होगा, राजनीतिक आधार होगा, वो बाकी पार्टियों की तुलना में शायद बेहतर होगा। ऐसे में इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है और इशारों इशारों में गुलाम नबी आजाद ने कह दिया कि कोई भी पार्टी राजनीति में अछूत नहीं होती है। तो क्या गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस पर जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं ये उसी गठबंधन से या उसी राजनीति से भविष्य में होने वाले चुनावों से प्रेरित हैं, ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन समय के साथ ही चीजें भी निकलकर सामने आएंगी। आपको क्या लगता है नीचे कर कमेंट सेक्शन में अपनी बात को आप जरूर लिखें। धन्यवाद।